हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज आप सभी लोगों का वापस से मैं माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिनों के बाद आ रहा हूं मैं, क्योंकि बीच में जो था एक तरह से मेरा एग्ज़ाम ही मान लो, ठीक है। वहां पर मैं काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहा था, कोडिंग वगैरह चल रही थी, क्योंकि अकेला माइनक्राफ्ट मेरा काम नहीं है। खैर, उसको हम बीच में छोड़ते हैं और यहाँ पर हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि भाई, वीडियोस तो कंटिन्यूअसली आएंगी, बस इस बार क्या है कि मैं रोज़ वीडियोस तो नहीं ला पाऊँगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँगा, क्योंकि और भी दूसरे काम हैं लाइफ में जो करने हैं। चलो, तब तक के लिए हम ऊपर चलते हैं। और आज जो है शाम को मैं नेदर वाट जो है इकट्ठा करने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं सोल सैंड लाया था अपने दोस्त की मदद से, एंड यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर देख लो, कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आएगी क्या। भाई वीडियो तो आ रही है, ठीक है, बस अभी रेगुलरिटी में आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और भी कंटेंट सोच रहा हूँ बनाने की। लेकिन अभी क्या है कि समय का काफ़ी ज़्यादा अभाव है, क्योंकि मैं हूँ बेरोज़गार और मुझे चाहिए नौकरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार जॉब चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हम लोग, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं और इसको एक जगह पे हम ठहरवा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोगों को उतरना पड़ेगा, बस हो गया। चलो अब प्रॉपरली अंदर चला जाए और गेट खोला जाए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। हेलो, तो यहाँ पर पता नहीं इसके शरीर पे क्या लगाया हुआ है, ये तो मुझे पता नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर नेदर क्वार्ट्ज़ दिखा देता हूँ, जो कि मैंने इससे, ये जो दिख रहा है ना, डायमंड पिकैक्स, एफिशिएंसी 4, फॉर्चून 3, मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3, ये सारी एन्चेंटमेंट्स की हुई है इसके अंदर, और काफ़ी बेहतरीन टाइप के एन्चेंटमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छी हैं। आप लोगों को भी कर लेना चाहिए अगर आप लोग माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में हो तो, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी कुछ इकट्ठा हो गया है एंड हम लोग अब थोड़ा सा सैर करते हैं अपने घर की तरफ, और जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें इकट्ठी है। मेरे को आज रात को निकलना पड़ेगा नेदर वर्ल्ड में, ताकि मैं नेदर वार्ड्स लाऊं और पोशन बना के पियेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी है इसके अंदर, ठीक है। पोशन की यूजेस देखेंगे हम लोग। यहाँ पर TNT रखे थे मैंने किसी ब्लॉक में, भर भर के। हाँ, इसको मैं ले कर जाऊँगा, ब्लास्ट ही ब्लास्ट मचा दूँगा वहाँ पर, सोल सैंड इकट्ठे करूँगा भर भर के, ठीक है। तो ये चीज़ें तो कंप्लीट है हमारी, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। सो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या चीज़ और है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ तो पूरी है यहाँ पे। यहाँ पर जो है ना सुअर भर गए हैं, तो कुछ को मारना पड़ेगा हमको, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज आप सभी लोगों का वापस से मैं माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर यहां पर जो है ना हम लोग सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे, अरे भाई कहाँ पर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो जाना ही नहीं था। यहाँ पर मैं है ना आप सभी लोगों को सबसे पहले दिखाऊँगा सोल सैंड, जो कि मैं अभी अभी लाया हूँ, और इसके बाद जो है मुझे चाहिए नेदर वाट। नेदर वार्ड के लिए आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, कि आप लोग क्लैरिक का जॉब असाइन कर दो किसी अनएम्प्लॉयड विलेजर को। फिलहाल इसके पास जॉब तो है कुछ, कोई एक अनएम्प्लॉयड विलेजर चाहिए और उसको आपको क्लैरिक के जॉब में लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमको चाहिए नेदर वार्ड, नेदर वार्ड चाहिए बहुत सारे, ठीक है। और क्लैरिक क्या करता है वहाँ पर, कि आपको जितने भी नेदर वर्ल्ड की चीज़ें हैं ना, वो आपके साथ ट्रेड कर सकता है। तो काफ़ी कुछ है, चलो फिलहाल तो मैं आपको सोल सैंड दिखा के लाता हूँ। यहाँ पर मेरे को सोल सैंड चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कहीं तो सोल सैंड बनाया था, वो ऑल मोब फार्म है, वहाँ पर हड्डियाँ, आपके बारूद, बहुत कुछ इकट्ठे होते रहते हैं। फिलहाल हम देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इकट्ठी हुई है, फिर हम लोग चलेंगे अपना सोल सैंड देखने। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, सोल सैंड का काफ़ी फ़ायदा है। हम लोग सोल सैंड की मदद से एक क्रॉप उगाएंगे, उस क्रॉप का नाम है नेदर वाट, और वो खाली सोल सैंड के ऊपर ही उगती है। एंड चलिए चलते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत ऊंचाई पे है भाई। तो कहाँ से जाएं हम लोग, यहाँ पर कोई गेट तो नहीं है, ऑपोजिट तरफ से जाना पड़ेगा हमको। चलिए ठीक है,
यहाँ पर हम लोगों ने खोला, इस माइनक्राफ्ट वाले ब्लॉक पे बैठे और निकल पड़े भाई, जल्दी चलो अब हम लोगों को निकलना है बिल्कुल आगे। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से हम लोग सीधा पहुँचेंगे ऊपर एंड देन यहाँ पर सीधा रुक जाएंगे फ्रंट वाले पोर्शन पे, और आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया, बस यहाँ पे उतरते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सोल सैंड। ठीक, यहाँ पर मैंने भर भर के सोल सैंड ले रखे हैं फ़िलहाल, और भी ज़्यादा सोल सैंड चाहिए मुझे तो देख लूँगा मैं। यहाँ पर क्या मैं एक पिकैक्स से 2 सैंड ले सकता हूँ क्या, ये पॉसिबल है? कितने आए मेरे पास, 2 ही आए, तो भाई ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइस, बस आज के लिए यहीं तक था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो गाइस लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना मेरे YouTube चैनल जैकावी गेमिंग को। मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ माइनक्राफ्ट के, तब तक के लिए बाय, और ख्याल रखना बना बना, ठीक है, बाय।